नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, बात करें तो भोजपुरी में पवन सिंह की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती भी है, क्योंकि इनके एटीट्यूड की बात सुर्खियों में रहती है और जिस तरीके से 2021 के अंत में उन्होंने लकीर खींचने वाली बात कही, उससे उनका एटीट्यूड काफ़ी बड़ा नज़र आया और इसके बाद तमाम लोग जो है थे वो पवन सिंह पर भड़क गए थे और पवन सिंह को जमकर अताड़ते नजर आए। इसके बाद विवाद खेसारी लाल यादव के साथ हुआ। खेसारी लाल यादव के विरोध में पवन सिंह के साथ रहने वाले सुपरस्टारों ने पोल खोलना शुरू कर दिया और तमाम साजिश और तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव के बारे में बोला गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं तो पवन सिंह के एटीट्यूड की चर्चा के साथ साथ उनके पर्सनल लाइफ की भी चर्चा काफी ज्यादा रहती है। पर्सनल लाइफ कहने का मतलब कि उनकी शादीशुदा लाइफ जो है वो भी चर्चा में रहती है और चर्चा में क्यों रहती है ये बखूबी आप जानते होंगे। इसके बारे में मैं आपको जानकारी साझा नहीं करना चाहूंगा। जब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का विवाद हुआ था तो एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कि जो ज्वेति हैं उन्होंने लिखा था कि गुस्सा काबू करना सीखो वरना यही एक दिन तुमको बड़ी मुसीबत में फंसा देगी, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि पवन सिंह की जो पत्नी है वो पवन सिंह पर ही निशाना साध रही थी। तो वहीं लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली ज्योति सिंह पवन सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं दी, लेकिन वहीं कई सारी तस्वीरें इनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वो गोवा के बीच पर जमकर खूब मस्ती करती नजर आ रही हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सुपरस्टार की पत्नी अकेले जो है वो लगातार एंजॉय कर रही हैं, लेकिन उनके पति यानी कि जो पवन सिंह है वो उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम जो रिश्ते हैं उसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हो रही हैं और लोग अपनी प्रतिक्रिया अलग अलग दे रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है कि भाई एक पति पत्नी के होने के नाते एक साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर आना चाहिए और कहीं ना कहीं कम से कम एटलीस्ट एक आध जगह तो मस्ती करते एक साथ दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ज्योति सिंह अकेले नजर आ रही हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ज़रूर बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।